मतलब ये तो यार तुसी बड़ी वड्डी गल कर दी यार कि जेड़े बंदे भी मंगदे ने या जेड़े भी भीख मंगदे ने जेड़े सही हैगे ने उहनां नूं थाने कर दिओ। हाय 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 अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप, ठीक होंगे। मैंने ना कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इन्हीं भाई की, जिनकी आप अभी देख रहे हैं, रज़ा मुबीन साहब हैं, टिकड़े लगाते हैं, 18 साल गालबन उम्र है इनकी। और मैंने इनसे एक ही सवाल किया कि आप ये टिकड़े क्यों लगाते हैं। कहते जी कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, किस चीज़ के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जी। कमेटी डाली हुई है और पैसे इकट्ठे करने का मकसद ये है कि मैंने ना अपना ना ऑपरेट करवाना है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब आपने पीछे एक जुमला भी बड़ा मज़े का लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो कहते हैं हाँ जी बस इसी चीज़ पर है। और कहता है कि कोई मुझे अगर बंदा वैसे भी पैसे दे के जाता है, मेरे से टिकड़े नहीं खरीदता ना, मैं उसके पैसे नहीं लेता। मैंने भी ट्राई की, वाकई ऐसे ही हुआ, ये बातें करने से पहले की बात है। तो अब बात करने का मकसद जो है ना, मैंने कहा जी ऑपरेट पे आपका खर्चा कितना आता है जी। कहते जी तकरीबन को 30,000 आता है। मैंने कहा कमेटी कितनी की है आपकी। 50,000 कमेटी है। बात पता क्या जी, गालबन साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, क्या पता अगले मंथ उसकी कमेटी निकल जाए, क्या पता उसकी कमेटी आखिरी निकल जाए, साल लग जाए, लेकिन निकलनी भी है और उसने ऑपरेट भी करवाना है, वो तो हो जाएगा, क्यों ना यार हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला दें। अच्छा अब सेकंड बात ये आती है कि आपके भाई आपको नहीं रोकते कि आप काम कर रहे हैं या वो आपका सहारा नहीं बनते। मोस्टली ऐसे ही होता है कि अक्सर औकात वही काम करते जो बेचारे दर बदर घर से हुए होते हैं। कहते वो मुझे बड़ा रोकते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं जो करूँगा अपने बल पे करूँगा। उसकी वजह पता है क्या, बल पे करने की, कल के कोई बंदा मुझे ना यार शिकवा ना दे दे या एहसान ना जतला दे, तो मियाँ तेरे जड़ा तो टुरा फिरने ऐसे ही करवाए। दिल से जो आवाज़ें हैं ना वो इस बंदे को देख के निकलनी है। क्यों निकल रही हैं, दो बातें थी उसकी। तो कहता जी कि ये जितने भी मांगने वाले ना इन सबको ना हवालात के अंदर कर दिया जाए, मतलब पुलिस में दे दिया जाए। बात करने का मकसद ये कि हवालात के अंदर कर दिया जाए, जो उसके अल्फाज थे। और उस बंदे के मुंह पे कोई शिकन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी यार वो बंदा काम कर रहा है। तो कोशिश करें यार, अपने शहर का ही बच्चा है यार, जितना हो सके करें यार। मैं भी अपने दम पर जितना होगा, फाइनेंशली भी ठीक है, फिजिकली भी जितना भी होगा ना, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार जितना हो सके ना उसके मुतलिक आप करें और सोचें कि शायद आपके 500 या 1,000 से उस बंदे का कितना भला हो सके। रज़ा मुबीन तुसी टिकड़े बेचते जे एवं है ना, ते टिकड़े क्यों बेचते जे। मैनू कोई मजबूर नहीं करता, मैं खुशी नहीं खाऊंगा। अच्छा दोनों मतलब कोई मजबूर नहीं करता, तुसी आदि खुशी नाली बेचते जे, ते बेचते क्यों पे जे दोनों मजबूर, अगर कोई नहीं करता फिर क्यों बेचते पे जे। मैं किसी ते बोझ नहीं, मतलब तुसी किसी ते बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ क्यों नहीं बनना चाहते। मतलब गल ना करे कि सही हो जाओ, बेली को ताना ना मारे। अच्छा तुसी असल चाह दी लत्तां दा इलाज करवावन वास्ते टिकड़े बेचते जे। अच्छा अच्छा, ते तुहाडा इलाज दा खर्चा किन्ना हुंदा है। कबूल कर लो गे। मजबूर अपने कुछ मजबूर अपने करने, मतलब यह है कि तुसी बस किसी नूं मजबूर नहीं करोगे, आदि खुशी नाल कुदा नूं दे देवे ते तुसी लै लोगे। मैनू इस काम पर कोई मजबूर नहीं करता, मैनू उल्टा मैनू रोकते ने इस काम पर। अच्छा दानू मतलब रोकते ने इस काम पर, दानू कोई मजबूर भी नहीं करता। अच्छा और कुछ आखना चाहोगे। जो बंदा चंगा बंदे नू मेरा जिंदा है उन्होंने जेल रखना चाहिए। अच्छा मैं सुना तुसी कमेटी भी पाई हुई है ना, तुसी दस दे पाए कमेटी पावन की वजह भी यही सी। हाँ कमेटी पाई है ना, जेड़े तुसी टिकड़े बेचते जे
जेडे टिकड़े बेचते जे जो तुसी काम करते जे मतलब ये है कि तुसी आहिस्ता आहिस्ता कमेटी 50,000 की पाई हुई है कि किसे तू मंगने भी ना पवन बस ये है कि आधी मदद आप दे तहत मैं सारा कर लूंगा। अच्छा जे तुहाडी टंगा अगर इनशाला सही होवन गिया इनशाला ते उहदे नाल तुहाडी आवाज जिहड़ी जबान लड़कड़ांदी पई ये भी सही हो जाएगी। आपने मिनसरा बाद दे दोस्त यारा वास्ते कुछ पैगाम देना चाहते जी? बड़ी वड्डी गल कर दित्ती यार कि जेड़े बंदे भी मंगदे ने या जेड़े भी भीख मंगदे ने जेड़े सही हैगे ने उन्हां नूं थाने कर दिओ। हाय 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 हाय। चलो रजा मुबीन भाई तुहाडा मैं पैगाम सारयां नूं देवांगा। ठीक हो गया।